आज महादेव और गौरा पार्वती का कहा जाता है पहला प्रेम विवाह जो हमारे दुनिया में हुआ वो यही था, पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस दिन शिव जी अपने लिंग आज महाशिवरात्रि का पर्व है और हम रेम्बल रोड वाले मंदिर में हमेशा आते हैं, हर साल यहीं आते हैं पूजा करने के लिए। आज महादेव और गौरा पार्वती का कहा जाता है पहला प्रेम विवाह जो हमारे दुनिया में हुआ वो यही था, पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस दिन शिव जी अपने लिंग में जो स्थापित हुए थे वो ये दिन माना जाता है। जो पुराण है उनमें ये माना जाता है कि यहाँ शिवरात्रि पे विवाह तो हुआ ही था, उसके साथ में लिंग में जो स्थापना हुई थी शिव जी की पहली बार वो महाशिवरात्रि के दिन हुई थी, इसीलिए इसे बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हिंदुओं का बहुत अच्छा बहुत बड़ा त्यौहार है और हम भी आज महाशिव शिव जी से और गौरा से यही मांगना है कि हम दोनों की जोड़ी अमर रहे। पूजा की है भाभी, किस तरीके से पूजा की जाती है और आज के दिन क्या व्रत है? आज भगवान का अभिषेक किया जाता है पंचामृत से, शहद से, गन्ने के रस से, और जो भी आपकी इच्छा हो वो मांगी जाती है। गौरा को सजाया जाता है, उनको भी चुनरी उड़ाई जाती है। आज व्रत किया जाता है, फलाहार किया जाता है, आज के दिन अन्न नहीं खाया जाता है। नम्रता मंत्री राजीव मंत्री, थैंक यू। कहाँ पर मंदिर है? यह मंदिर सर रेम्बल रोड शिव मंदिर है और अपने कॉलोनी का माना हुआ मंदिर है, पूरी कॉलोनी का एक ही मंदिर है। और आज तो आप ये सब जानते हैं भाई, शिवरात्रि है, पूरे शहर में ही भगवान की उत्सव मन रहे हैं और होना भी चाहिए। देवों के देव महादेवी है और भगवान सबका भला करने वाले हैं, भोलेनाथ तो सबको ही देने वाले हैं। और मैं तो कहता हूँ सबको एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल, अगर एक लोटा जल भी चढ़ गया तो सारी समस्याओं का हल हो जाता है। और आज तो शिवरात्रि तो है ही है, शिवरात्रि हर साल ही आती है लेकिन आज थोड़ा विशेष दिन है। आज शिवरात्रि तो है ही है लेकिन इसमें प्रदोष व्रत आना, वो प्रदोष भी शिव जी का ही होता है और शिवरात्रि भी शिव जी की, तो दोनों मिल जाए तो फिर आनंद ही आनंद है, भोलेनाथ की तो कृपा है। श्रद्धालु आ रहे हैं? हाँ, श्रद्धालु पूरे मोहल्ले वाले आ रहे हैं, प्रभु की श्रद्धा है, आके जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और अभी शाम को भगवान के जब पूरा पूर्ण हो जाएगा तब शाम को बढ़िया श्रृंगार करके 6:30-7 बजे आरती करेंगे भगवान भोलेनाथ की। और आज का महत्व तो ऐसा है जी का, जब भोलेनाथ ने, लोग तो कहते शादी करी, शादी वाली बात नहीं है, जब भोलेनाथ ने समुद्र मंथन हुआ उसमें अमृत भी निकला और जहर भी निकला नागराज का, तो उस जहर को हो नीचे न डाल करके भोलेनाथ ने ही पिया, कबाई पब्लिक को बचाना है, तो उस जहर में से ही कंठ में रुक गया, तो सारी पब्लिक सब देवता भोलेनाथ को मनाने के लिए बचाने के लिए नीलकंठ कहते हैं भोलेनाथ को, यहाँ तक रुक गया तो नीलकंठ है। तो उस रात्रि और दिन, शिवरात्रि और दिन दोनों ही रात और दिन देवताओं ने, सब पब्लिक ने, राजा महाराजों ने, सब ने भोलेनाथ की आराधना करी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पंचाक्षर है, तो इसका जप किया कि भाई प्रभु भोलेनाथ का जो है जहर खत्म हो जाए और भोलेनाथ की कृपा हो जाए। तो इसलिए महत्व है, शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है। पंडित हनुमान प्रसाद शर्मा, रेम्बल रोड, किशनगंज, अजमेर। जय।